इंडियन यानी इंडियन रेलवे के बारे में कहा जाए, IRFC का जो है ना स्टॉक जो है उसमें स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट क्या हो सकता है जुलाई माह का, तो अभी के टाइम पर देख सकते हो दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस है देखिए दोस्तों कितना है। ठीक है, तो इसका अगर बारे में बात किया जाए तो दोस्तों जुलाई माह का जो टारगेट रहेगा दोस्तों 21 रुपीज़ इसका जुलाई माह का टारगेट रहेगा, और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो 19 रुपीज़ रहेगा दोस्तों। ठीक है, पर मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों स्टॉक में तेज़ी दिखने को मिल सकता है चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी के साथ अगर कंपटीशन किया जाए तो देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी और दोस्तों IRFC का जो है ना स्टॉक जो है दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, जब ना करीब आया जाता है तो देखा जाए तो यानी IRFC का स्टॉक डाउन में है और निफ्टी का जो स्टॉक है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी निफ्टी में अगर पैसा रखोगे दोस्तों तो आपका 1 रुपीज़ का नुकसान हो सकता है, पर IRFC में रखोगे तो 6 रुपीज़ का नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से IRFC से बेटर दोस्तों निफ्टी का स्टॉक है यानी निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है, तो आप निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका मोटिव है कि IRFC में इन्वेस्ट करना, तो इससे बेटर ये है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया कि इसका टारगेट क्या रहेगा और बेसिकली आपको कौन कौन से जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के टाइम पर। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।